जदों तू मेरी जिंदगी दी साथी बन के मेरी जगीरी जाएंगी ते वेखण वाले तेनू सचमुच दी ही समझणगे। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सुसन नू देर नाल ही आना चाहिदा सी। अज पता लगा है कि इश्क हमेशा इंतजार दी सजा क्यों पांदा है। नहीं बाबर, ए सजा नहीं, ओ है आए तेरी मशीक दी तीनों उदे विरसे च मिलती है। नजमा, आज तू चुप चुप क्यों है? नहीं नहीं, मैं ते बड़ी खुश हाँ, सच्ची बड़ी खुश हाँ। इस वास्ते कि कॉलेज च 3 महीने दियां छुट्टियां हो गई ने। खैर, तू इस तरह कर, तू मैनू अपना एड्रेस दे दे, मैं तेनू खत लिखता रहांगा। जे तेनू प्यार करन वाली नजमा दा पता जरूर चाहिए है तो फिर अपने दिल के कोरे कागज से लिख। लिखाओ जनाब। लिखो, खास शहर दिल, मोहल्ला इश्काबाद, मोहब्बत मंजिल, नजमा पापर। लगता है 3 महीने खता से गुजारा करना पड़ेगा। जनाब, ये 3 महीने तो अब चमकते ही गुजर जाएंगे। हाँ, याद आया, नसरीन नू कह दी कि उसकी भाभी हर वारी चूड़िया का इंतजार करती है, पर इस वारी तेनू खाली हथ ना भेजे। तू फिकर ना कर, नसरीन बड़ी शरारती लड़की है, वो तेनू चूड़ियां दा पूरा टोकरा भिजवा देगी।
ਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਆਜਾ ਚਾਚੀ ਮਾਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਖਰਚ ਤੋਂ ਡਰ, ਬਾਪਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ, ਲੱਗਣਗੇ ਤੇਰੇ 10 ਰੁਪਈਏ, ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੀ ਚਾਲੀ, ਚੜ੍ਹਾ ਲੋ ਲਾਲ ਵੰਗਾ, ਚੜ੍ਹਾ ਲੋ ਲਾਲ ਵੰਗਾ। ਵੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੇਚ ਦੀ ਫਿਰਦੀ ਬਾਲੀ, ਚੜ੍ਹਾ ਲੋ ਲਾਲ ਵੰਗਾ, ਚੜ੍ਹਾ ਲੋ ਲਾਲ ਵੰਗਾ। ਓਏ ਸੁਲਤਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਚਾਂਗੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਰਾ ਜਮਾਲਾ, ਰਾ ਕਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਕਮਾਲਾ, ਰਾ ਕਿਆ ਬੋਲੇ ਹੈ ਯੇ ਮਨਾਦੀ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਜਰਮਾਹੀ ਜਿਆਨਾ ਨੇ ਤੈ ਕੋ ਮਨਾਦੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਛੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਆਨਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੋਲ ਖੜਕਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂ ਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਰਾਂਗੜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੇ। ਯਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਯਾ ਬੰਗਾ ਪੇਸ਼ਨੇ ਵਾਲੀ, ਹਮਾਰੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਰੇ ਜਿੱਦ। ਰਾ ਇਸ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਡਾਲੇਗਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਤੋ ਜਾਟਾ ਔਰ ਰਾਂਗੜਾ ਕਾ ਬੈਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਵੈਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਂਗੜਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੰਗਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਵੰਗਾਂ ਗੋਸ਼ਟ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਟ, ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਟ, ਕੇਲੇ ਗੋਸ਼ਟ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਵੰਗਾਂ ਗੋਸ਼ਟ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਰੇ ਦੀ ਚੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀ ਕੱਢੀ, ਬੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਸੀਨ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਬੇੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੱਚਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਪਰਜਾਈ ਤਖਾਣੀ ਪੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੱਚ? ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਵੀਰ ਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਭੈਣ ਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ?
किधर पंग तो नहीं जपी ली आ लेंदे सुल्तान तन दोन ठीक करावांगी की गल मां मैनू की याद किया जा रहा है तेरा मुंह तो मैं रोज काला देखता था पर आज यार लूही जो है सारे जी देख के ना ते तू नहीं समझ रहा चलो मैं जब तुम्हें जाके अपनी शक्ल शीशे में देखो समझे तो जब तक होगा माँ इन्हें मैं कुछ ना क्या कर माँ इन्हें खिलौने वाले के कार्य चलाओ ना के वे चुन जो गया मैं कदों इन्हें कुछ कहनी है पर ये मैं तंग ही इन्ना कर देने कि मैं नक नक आ जानी है अच्छा माँ मैंने क्यों बुलाया सी तुसी हाँ याद आया वो तेरा चाचा अब्दुल रहमान रंगड़ है ना उन्हें तेन बुलाया माँ जी गलते दसो ये जमाला ने कमाला चाचा अब्दुल रहमान के पुत्र ने की मतलब तेन कोई शक है नहीं नहीं शक तो कोई नहीं पर उन्होंने आटा बढ़िया कुछ पैरिया ने वो चूड़िया वेच रहे कुड़ी नहीं और की ना उदा बाली हाँ बाली चुकने लगे सब अच्छा चल दफा कर पुत्र तेन की लगे ना गल्ला ना चंगिया दे मंदे ते मंदिया दे चंगे मैं तो तेन सिर्फ इन्ना दस रही सा कि तेरे बिश्ती प्यो ते भरा अब्दुल रहमान ने पग्गा वटा के मकामी ते महाजर होने का फर्क मिटा दिता सी इसलिए हुण तेरा चाचा जो भी कवे सिर सुट के मान ले चंगा मां जी मुड़ वेखने च ते चंद दा टोटा है जोरावरी च शेर प्या लगता है ओ वेले सिर अपड़ के मांडी जान ना बचेंदा ते बाली कढूंदी मर गई होंदी मुड़े हो जा बहादुर दा मुंह च चुमिए ते बंदे जंती हो वेंदा ही बालिए उखड़ू उखड़ू मुड़ बेशर्मी आलिया गल्ला ना कर मुड़ प्यार ना तक के ओदा शुक्रिया दे अदा कीता होसिया ना बालिए मुड़ शादिए बंगा बनी जिया ते मैनू अम्मा दी मार दा डर चा पिया हुण किथाई मिलसी हाथ बन के आखसा मुड़ गबरू जवाना जान चकट बाली दी पर मार चकर वालेकुम अस्सलाम रब पिता रब पिता रब पिता रब रब पिता और तनाज अपनी हवेली में लेकर और मन आते लागे रे जैसे मेरा यार करीम बख्श खड़ा है तू हुक्म ते कर चाचा सुल्तान तनु करीम बख्शी लगेगा रे सुल्तान रब तन लंबी हयाती करे मन रंग चौधरी माने और तन बापू को चार चौधरी जाने रे चार चौधरी जाने रे सुल्तान मन जी चावे के जफर और लाडू की शादी करके रंगड़ो और चाटू का बैर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देवे रे सुल्तान या तन बापू की आखिरी ख्वाहिश थी रे जे मेरे प्यो की आखिरी ख्वाहिश थी चाचा तो फिर जो भी तू हुक्म करे मैं जफर की जज लैके तेरी हवेली अपन पाऊंगा रब बीजा या उम्र फैसले करने की नहीं अल्लाह अल्लाह करने की रा सुल्तान अपने भाई की खरीगत चाहे हैं तो मने बापू की मत मानियो वरना जफर मौत के सफर पे चला जावे अरे बोलो ये मैं चाचे रहमान दी वेली च ना खलोता हुंदा ते जफर नु बतवा देने वाली जबान मैं तारे तो खिंच लैंदा खैर डालेंगे इन कुत्तों की जबाने सुल्तान बेटा जा जफर की बारात चांद की 14 को ले आइयो जमाले पे कमाले चांद की 14 तारीख नो अपने मोड़े ते तेल मल के रखना है मैं तोड़े मोड़े ते तोड़ी पहन लाडो की टोली लेके जानी रात तय और जफर की अपने कंधों पे तेल की मालिश करके आया रे रंगड़ों की मिलनी के दिन तो आसमान से भी खून तपते हैं और चकलोट पूतक पुटे ते दुश्मनों दिया हिक्का से तेरा पैजन दिया ने पर अफसोस इस गलत है कि तुसी अपनी पैन का रिश्ता देके
मेरे रिश्तेदार बन गए हो। रब तन्नो ये रिश्तेदारी महंगी पड़ेगी रे, उस शेर से कौन टकराएगा जिसे जमाना शेरू बोले शेरू। रस शेरू भैया, रब बापू ने रंगरो को जट का गुलाम बना दिया रे। लकाबो ने कमाला जमाला रा जमाला ठीक कवे है शेरू, बापू ने लाडो को जाटा की बहू बनाने का फैसला कर लिया है। नारे ना रस शेरू के बाल जाटा के पैरा नीचे नावे नावे। रब बापू रंगरा की रस्मा कैसे भूल गया, रसूत का रख दूंगा ससुरों ने। रब अकर से पहले क्या मता जा रहे हैं बापू, बदल डाल अपना फैसला। रसरो तामों से आग निकाले या दांतों से लोहा काटे, रपुट रंगण का फैसला उसकी जात की तरह अटल है रे अटल। रम ने रगों में भी तेरा ही खून खोले है बापू, रसरू की बहना चाचा के घर ना ही जावे रे ना ही जावे। अब तो शेरू की बहन जट्टा के घर जावे ही जावे। रस शेरू सब तेने कंधा देना बाकी है रे, पहले तेने बापू का फैसला था, अब तेरे बापू का हुक्म है रे हुक्म। फिर भेज दियो संदेशा बरात लेकर आने वाले जट्टा ने कि अपने चूल्हे को सेहरा बांध के लावे है तो फिर कफन बना के ले जावे है, रसूद के रख दूंगा ससुराल। लाडो अभी मैं जिंदा हूं। रब अगली सिरु जबान का सख्त जरूर है पर दिल का बहुत नरम है रे। जानो बापू जानो तो मैंने जाटा में ब्याने की जिद छोड़ दे तो जाने है बापू, तेरे बेटे बहुत जिद्दी हैं, बहुत जिद्दी हैं। लाडो मैं उनकी जिद्दबाजी की परवाह न करूं, मैं तेरी डोली उनकी लाशों से गुजार कर विदा करूंगा रे। बापू रामड़ो की कोई ऐसी बेटी तो बता मैंने जिसने अपनी खुशियों का महल भाइयों की लाशों पर बनाया। रे बापू मैंने जिंदा काटे रे जिंदा काटे रात जिंदा काटे तेरे दुश्मन रतन ने बापू ने तो रामड़ो जाटों की हजारों लाशें गिरती हुई देखी है रे। जनाब नु कोई इतराज है? मैं पूछना तो हर वेले मेरे पीछे क्यों पड़े रहनी है? जब तक तू मेरे प्यार का इकरार नहीं करेगा उस वेले तक मैं तेरे नाल 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 बे मैं रहना। ऐसा कहना चाहिए ना तू? आहो हूँ समझे। बिल्कुल समझ गया। की समझे? ए होए कि तेरा कोई पुरजा ढिल्ला है, मेरा मतलब है तेरा दिमाग ठीक नहीं।
पई अख तेनू इंज लगे सना दे दोवें असी साथ सजना मैं अपनी चोली पा लिया जिनिया मिनता मैं तेरिया कीतिया ने जी उनिया मिनता मैं किसी पत्थर दिया भी कर दी तो वो भी मोम हो जाता। मैं तेरे प्यार की कदर करना वा नसीम, पर मैं हो जा कोई फैसला नहीं कर सकता जरा मेरे प्राण पसंद ना हो। मैं खुशी है जफर, तू प्यार ही रांझे का किस्सा नहीं जिंदगी का एक हिस्सा समझे। नसरीन, जिंदगी प्यो के मरण तो बाद मेरे को भरा की इमानत है जिन्हें मैं प्यो तो वध प्यार किया है। वो हर फैसले नू मैं अपनी तकदीर का फैसला समझ के कबूल कर लिया है। प्यार सच्चा हो एक दिन प्रमाण जरूर चढ़ता है। मेरे प्यार के तेरे भरा एक दिन हां जरूर करनी पवेगी। बाबर खाना के सिर की पग नू पैर च रोलन की चुप करने वाली गोली गोली मारती। अबा जी तुसी जानते हो नसीन एक पढ़ी लिखी कुड़ी है। नसरीन ते जफर नू कठिया वेख के मैं भी गोली मार देना चाहना सा, पर उन्होंने दोवां दी गुफ्तगू ने मैनू मजबूर कर दिता है कि उन्होंने जिंदगी लई एक दूजे का साथी बना दिया। अबा जी मैं ते कहना कि तुसी आप सुल्तान दे घर जाके जफर ते नसरीन दे रिश्ते की गल करो। बाबर मेले ही सुल्तान के छोटे भरा जफर ने उची खान शिकस्त दे के दिल मेरा भी जीत लिया से, पर ही सोच कभी धियां आले पुत्र आले को चल के अपनी धी का रिश्ता देन गए ने। यह तो पुरानिया गल्लां ने अबा जी, ना चौधे सुल्तान गैर है ना ही असे उहदे शरीक आ। मैं तो कहना बिस्मिल्ला करो तो उहदे कोलों शगन लैके जाओ तो बरादर दिन ले आओ। वैसे भी जटा ते खाना की पुरानी रिश्तेदारी चली आ रही है। बाबा पुत्र ये तो तू ठीक है, वड्डे भरा प्यों बजा होंदे ने। मेरी मन तू सुल्तान की हवेली चला जा, नसरीन ते जफर के विआह के दिन लै। पर अबा जी मैं पुत्र तेन पता है खानपुर की जमीन का कब्जा लेना भी बड़ा जरूरी है, जे मैं ना गया तो खून खराबा होने का अंदेशा है। यह मेरी मजबूरी समझ या मेरा हुक्म? तुहाडा हुक्म सिर मथे ते अबा जी। शगना दे थाल केड़े खानदान नु साडे मोढे नाल खिलारना चाहते ने? इस धरती उत्ते वसन वाला खाना का खानदान तुहाडे मोढे नाल खलोण लई अपनी गैरत तुहाडी इज्जत बनाना चाहता है। मां जी बाबर पुत्र अनैत खान की धी मेरी नूह बनती, मेरे लिए इस तो वड्डी खुशी की गल होर की हो सकती सी? मैं समझा नहीं मां जी। मैनू अफसोस है, तू बड़ी तेज नाल आया। जफर की जंज कल रंगड़ा की हवेली जा रही है। इनकार ना करना माँ जी, मैं तुहाडे पैरां नूं हाथ लाना वा।
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਾਨਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਗੀਰ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਜਾਗੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੰਨ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚੰਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਜੀ, ਮੰਗਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਖਾਨ ਜੱਟ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮੰਗ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਖਾਨ, ਇਹ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਭਾਈਜਾਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਓ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਫ਼ਰ। ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਨਿਹੜੀਓ, ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜੀ ਕਰੇਂਦਾ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾਵਾਂ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾਵਾਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਚੰਨ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਮਕਾ ਪਿਆ ਮਰੇਂਦਾ, ਮੁੜ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਸੜੇਂਦੀਆਂ ਹੋ? ਨੀਲਾ ਚ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਤਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਧ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰਦ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾਣੋ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਪੀਰ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰੇਂਦਾ, ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਦੀ ਫਿਰਾਂ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਚੱਲ ਨੀ ਤਾਜੀਏ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਦੇ। ਇਹ ਗੋਤੇ ਵੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੈੜੀਓ। ਸ਼ੇਰੂ, ਓਏ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲਾਦ ਦੀ ਕਣਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਚੰਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਵਲਾਦ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਫੌਲਾਦ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਰੀਤ ਹੈ ਰਾਂਗਣੋ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਸੇ, ਜੋ ਰਾਂਗਣੋ ਕੀ ਬੇਟੀ ਬਿਆਨੇ ਆਵੇ ਵਹ ਲੜਕੀ ਕੇ ਭਾਈਓ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਰਹੀ ਰਾਂਗਣੋ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਮਿਲਨੀ ਹੋਵੇ ਵਹੀ ਸੇ ਡੋਲੀ ਉੱਠੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਮਾਲਾ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਮਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਰੀਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸ਼ੇਰੂ, ਜੇ ਗੱਲ ਸਿਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਲੱਗੋ ਫਿਰ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਸੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਪਾਈ ਨੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮਿਲਣੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਫਰ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਟਾਂਗ ਸੁੱਟੋ ਏ ਸ਼ੇਰੂ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਠਾਓ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਮੰਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਾਂਗ ਤੂੰ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਕਤ ਮੈਂ ਡਾਂਗੇ ਮਾਰੇ, ਦੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਾਵੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੂਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਸਸਰਾ ਨੇ।
दारू रकम भी पूरी हो गई ना कसम भी पूरी हो गई रब रात अंदर जावे रे तेनू तेरी रिवाजों के खूह जो दिता है मौलवी साहब कितने ने जिन्होंने तेनू तेरी गुआई से जफर का सलाह बनाना है ला सुल्तान इस जग में हर जवान किसी न किसी का साला पड़े है अजमने की बारी है कल तय साला पड़ जावे है रे सर आज पहली बार रंगड़ों ने अपनी बेटी को जाटों की बहू बनाकर जात पात का फर्क मिटाया रे जात पात का रे सर कमाला जमाला अज ऐसी खुशियां मनाओ रे ऐसी खुशियां मनाओ कि जमीन आसमान भी भगड़ा डाले रे भगड़ा रे बापू खुशियों के सारे इंतजाम पक्के हैं लिशकारे कोलो बची बची में असी हुसन दिया दो बिजलियां लिशकारे कोलो बची बची साडे कोंगरू लुट पुट जांदे ने साडे कोंगरू लुट पुट जांदे ने छनकारे कोलो बची बची असी हुसन दिया दो बिजलियां लिशकारे कोलो बची बची में असी हुसन दिया दो बिजलियां लिशकारे कोलो बची बची अज तक बड़ी संभाली वे तेना सुरख लबां दी लाली वे असी अज तक बड़ी संभाली वे जरा बद बद साडा हाथ फड़दा ओनु डंगला दी गुत काली वे साडे रेशम वरगे लगदे तू साडे रेशम वरगे लगदे तू लचकारे हुसन दिया दो बिजलियां निशकारे कोलो बची बची में असी हुसन दिया दो बिजलियां निशकारे कोलो बची बची
फिर जरा लग गई हो निशाना।
तेरा बापू आ गई तेरी सामत। राह ऊपर वाले ते इंसाफ करे है, मैंने सुना है मालिक कि बेगुना का खून इसी दुनिया में बोले है, इसी दुनिया में बोले है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब किसकी लाश है? राज जाटों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया रे भाई शेरू। जाटों ने खाना के साथ मिलकर बाप को मार डाला, हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ के रख दिया शेरू, उजाड़ के रख दिया। बापू तने तेरी जीत खा गई, तने तेरी जीत खा गई बापू, और खा गई तने तेरी जीत, खा गई तने तेरी जीत। शेरू भी खालू और चटों की नस्लें खा जावे है, खा जा रहे हैं। शेरू बापू और बहना के कत्ल का जिम्मेदार भी तय है, रत्न मिलने के वक्त सुल्तान के जैसा सलाट और बापू न मरते न मरते। अरे बापू और बहना की लाश पुकार पुकार के गया तेरू, मने और लाटों का कातल तेरू है तेरू रसेरू। जमाला कमाला तेरे बाजू है रे, इन्हें कद जमालेगा कद जट खा, राम के नाम पर स्थान बचा देंगे मिटा देंगे। चुप कर जा, चुप कर जा रे, चुप कर जा। तेरू सब कुछ समझ गया, इसीलिए खानों ने अपनी बहनों का रिश्ता सुल्तान के भाई जफर से करना चाहते था। फिर मुझे हुक्म कर शेरू, जाटा खाना की बहू बेटियां और जमीने कभी फसल ना देवे, ना देवे, ना देवे, ना देवे। रसूत के रख दूंगा सुथरा में। कांगड़ा ने खाना उसे अपने खानदानी कत्ला का इल्जाम लाके खाना दे वकार नु ललकार है बाजी। देखो इल्जाम तो सुल्तान ते भी लग गया बाबर पुत्र, पर हो सकता है बाजी इल्जाम ना होवे हकीकत होवे। बाबर मैं पता है तेन गुस्सा है, सुल्तान ने तेरी बहन नसरीन दे शगन मोड़े सन, और चलिया मैं नसरीन का बाप सा, मैं चाहता जटा की इट नाल इट वजा देता। पर यार वड्डियां दे जराने कदे कदे छोटियां दी भुल माफ कर देंदे ने, साडे तो पहला रिश्ते की गल तय कर चुके सन, तू जटा नहीं जानता, साडी ते उन्हां दी बड़ी पुरानी रिश्तेदारी है, वो अपनी नूह नूं कदी नहीं मार सकते। भाई जान अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे ने, भला कभी किसी ने अपने घर नूं आप अग लाई है? तुसी मेरे शगना की वापसी भूल गए, जफर होरां दे दुखां दे शरीक बन जाओ। चल पुत्र इस तो पहला कि सुल्तान अपनी भरजाई नूं दफन करके रगड़ा वाल मूंह कर लै, असीं उहदे मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खलो जाइए। चल आ जा। राजा टोर खानो, आज रंगरों का इंतकाम देकर तुम्हारे लिए ये जमीन शेरू की हथेली से भी तंग हो जावे रे, तंग हो जावे। रखमाला रख क्या है भाई जमाला, राज रंगरों का शेर भूखा है,
तेरू को अपने शिकार की खुशबू आ जावे रे आ जावे रसूत के रख दूंगा ससुरा में। तो फिर तै मन्ने देख सुल्तान मन्ने मैं तो वो चलता फिरता हथियार हूँ जो फसल जाता के सिराती करते तो जनाजे खाना के उठे। ओए रामड़ू जट बंजर जमीन उत्ते पैर रखे जो भी फसल देर लग पैंदी है पहाड़ मैदान बन जाने ने सोनी मैदान नो आखिरी बार वेख लो जरा एक पल बाद कब्रस्तान बन जाना है। देश कब्रस्तान का मैं होगा शेरू रक्का माला। रक क्या है भाई जमाला? क्या उतनी के क्या बोले रे लागे रे जाट की खाट पर बैठकर शेर बनने की कोशिश करे रे। और शेरू बरादरी से प्यारा दी जज रह के आगे ऐसे दस होए कभी मुझे भी मुझसे भाई ने राजमलक मला राय कहा बोले राजा खुल खान खुल ओए खुल खुला दे हो जा करेंगा कि तेरा एक एक चोर वाह करके एक एक चोर करो पूछेंगा कि दसो है चट्टा दी लूद कतल कौन है। माँ जी तुसी वे हुन तक ते मामा ऐस कयामत तो बाद जे मां कहन वाला कोई बचेगा ते फिर मां रवांगी ना। राहिब तो तेरी मां को भी तेरे मर जाने का यकीन आ गया है सुल्तान। शेरू ती रंगड़ा दी कतल होई है ते इल्जाम चट्टा ते नू मेरी दफन होई है ते इंतकाम लेन तुसी आ रहे हो रब दा वास्ता जे अपनी अपनी बिरादरी लेके वापस टुर जाओ मैं अपनी नूं दा खून दे कतला नूं माफ करनी हां। नहीं भैणा नहीं अज भी असी अपनी नूं दा कतल इन्हां रंगड़ां नूं माफ कर दिता ते कल ओह साडे सिरां नाल खेल जांदे अज इन्हां ने हथ चुकी है अने असां इन्हां दी बत्त मार देगा। नहीं वीरा नहीं असी सारे इक आदम दी औलाद हां साडा खुदा इक रसूल इक कुरान इक कलमा इक ते मुल्क इक फिर असी सारे जाता पाता महाजरा के मकामिया क्यों वंडे गए क्यों वंडे गए। हमारी कतल हुई रे बापू हमारा मारा गया रे कुटिया हमारी उजड़ गई रहा गर्दन ने गाटा चुका लिया है तेरू तो फिर निकाल अपना हथियार तो काट दे अपने के दोनों बाजू कमाला कमाला। नो रे नो मने के ये दोनों बाजू सलामत रसूत के रख दूंगा ससुरा में। मैं अपनी मां की इस पाक चादर की
मैं अपनी मां के कातलां दे कफन ओदा टिका चुकी पिराना और जब तक मैं तोड़ी नसल नहीं मुका लेंदा। है जिसके पहले सफे पर एक ऐसी खूनी दुश्मनी जन्म ले रही है जो इस इलाके में बसने वालों को दवाई मौके और कुछ नहीं दे सकती। इससे पहले कि इस दुश्मनी से उड़ने वाले खून के छींटे कानून का चेहरा सुरख कर दें, तुम्हें इस जुर्म को सजा के कफन में लपेट कर कानून के कदमों में दफन करना होगा। और दफन होने वाले का नाम शेरू रांगण है। सर, अगर आप ये केस मेरे हैंड ओवर न भी करते तो मैं खुद ही आपसे दरखास्त करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मौत की मुखालिफ पार्टी बहुत ताकतवर है। एक तरफ खान और जाट हैं और दूसरी तरफ मौत। रब कमाला। रब क्या है भाई जमाला? रब भी तो शेरू के कदमों की खाक उड़ी है तो कानून के तोते उड़ गए, तब क्या होगा? जब शेरू जाट और खान के कांटे उड़ावेगा। रहते हैं गाटे की बात करे है जमाला, मने तो ऐसा लगे है जैसे शेरू जाटा और खाना का मांस खाना चाहे है। रख खावेगा ना मांस। रजमल कमाला, शेरू तो सुल्तान का मांस चीला को खिलावेगा और हड्डियां कुत्तों को। राजमाला, अब तो पंगा बेचने वाले का घूंट भरना ही पड़े है। भरना ही पड़े रे।
तक ढोल सजन हस पौन क्यों दिल तड़पाना है तक ढोल सजन हस पौन क्यों दिल तड़पाना है जाने ना वाली यो सुल्तान की जोरू बनने चले है फिर पूछ इस बंगा बिचड़ वाली से इसका सुल्तान किधर है ते भेड़े हो घर में या घोड़ी चढ़ाया जे ऐसे भैन नु डोली से चपा जाओ रद की डोली का आटोकरा बन जावे है अज सेरू सुल्तान की हड्डियों का चूड़ा बना के तेरे बाजुआ में सजावेगा फिर तय की डोली के आगे बाजे ना बचेंगे कल में शहादत की आवाजें आएंगी भैड़ी बूथी वाले टेंडिया हड्डिया दे चूड़ा मेंडिया बावच पवार दा फैसला कीती बैठे ने और फैसला ते झट ने करना है जे नु चूड़िया पांदे नहीं सौके या जे हो जिया चूड़िया पोवांगा जे ना दिया नस्ल चंदे ही चूड़िया पा लैन गया रे सुल्तान तने रांकड़ा की पेटी चट्टा के कब्रिस्तान में दफन करी है ना मत भूल अज सेरू तने खत्म करके रंगड़ा के कब्रिस्तान में दफन करेगा और रंगड़ा लाडो के चाचे रहमान दे कत्ल तो लेके मेरी जन्नत दे उजड़न तक तुसी बड़े साल लिते ने अज मैं तानू अपने इंतकाम दिया कि चार की सुहा कर देंगा और दुश्मना ना 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 इसे गोली से मत मारियो इसे गड़कट की गेंद बना के अपने बल्ले से छक्के पे छक्का मारो मैं तुम्हें कानून के लिए चैलेंज नहीं बनने दूंगा हेलो बाबर हेलो सर तेरा की हाल है यार ठीक ठाक यार कल तू टेलीफोन किया सी आज तू आप आ गए आहो यार मैं क्या चल के तेनू मिली लवा यार सुल्तान दी एफआईआर दी रिपोर्ट मैं ले आया मुजरम ते शेरू है सुल्तान ते नहीं यार असद दो पार्टियां दे झगड़े इस नौबत कतला तक पहुंच गई है किधर ए नौवे के पुलिस सुल्तान दा रिमांड लेने से कामयाब हो जाए यार इज्जत ते शर्मा रखन वाले रब दी जात है आज रात मैनू केस तैयार कर लेन दे इंशाल्लाह ताला कल सुल्तान दी जमानत जरूर हो जाएगी अच्छा यार असद मैं चल लवा ओके यार तू नजमा दे बारे कुछ नहीं दस्या आहो यार खत ते उनू बड़े लिखे ने पर जवाब कोई नहीं आया दसवीं माए मैं ती कि मेरा बाबल कौन है
तेरा इस तोसक नाल की रिश्ता है? तेरे इस सवाल का जवाब तेन मैं देनी है नजमा। तेरी ए मां एक पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी, इंस्पेक्टर को कानून की ताकत ते मेरे को चढ़दी जवानी। उन्हें हीरा मंडी नू बकर मंडी बना के कानून की दो तारी चुरी ना मेरी जवानी का सुरख पीता कट दिता। मेरे भरा ने उस इंस्पेक्टर नाल मथा लाया ते उन्हें उदे ते कतल का केस पा के उन्हें फाई लवा दिता। फांसी का वह ही बंदा इंस्पेक्टर के खानदान लिए मौत बन गया। यह शरीफा की इज्जत की एक तस्वीर है ते मैं जिंदी जागदी शराफत में पाल के जवान इसलिए किया है जिन्हिया रात इंस्पेक्टर मेरी बेबसी नाल खेडता रहा है। उन्निया सदिया उदे सच्चे कट की यह हड्डी तमाश बिना हथ च टुटी बजती रहे। दहल नू हासिल करन लई तेरी मां नू पूरा 2 लाख रुपया खवाया नजमा। ओ मेरी मां नहीं, मां दे रूप जिक जैन है। एक बारी मेरी बन जा नजमा, सारी जिंदगी ऐश करावांगा। मैं मजबूरी दे कुंगरू बन के नचन आई सा, इज्जत लुकान नहीं। जे क्यों सिद्धी उंगला ना ला निकलिया ते मैनू उंगलियां टेढ़ियां करन दा भी वल आंदा नजमा। बाबर मैनू इस रूप वेखेगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती। सेठ ने बाबर के सामने तेनू कंजरी कहता है। ए तबले ए कुंगरू तेरा मुकद्दर बन चुके ने। तू इन्हां दी आवाज से नष्टी नष्टी मरते सकनी है पर आजाद नहीं हो सकती। आजाद नहीं हो सकती, आजाद नहीं हो सकती। साडी इजाजत के बगैर ते साडे बंगले दे विच कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता ते फिर ओदा जाम का उत्थे कीवें पहुंच गया। इड्डा गुस्सा ना करो सेठ साहब, नजमा बिचारी नु ताडे बारे च की पता होवे। ते फिर नजमा नु दस दे आपो इस बाजार दी आन ते शान साढ़े दम नाल कायम है। तमाशबीन इफले तमाशबीन साडा शजरा है नसब है। बेशक असी भुल के भी किसे कच्चे कोठे ते चढ़ जाइए ते ओनू सोले दा महल बना के थल्ले उतरा ले है। साले ते उच्चे मीनारे ते खलो के जमीन ते रहन वाले नु एना की ना समझो। मैं साडे कोल मुजरा सन गई सा, अपनी इज्जत लुटान नहीं। ओए सेठा पापा बेटा उच्चा बोल ना बोल, जेड़ा आसमान दी मखलूक भी बोले ते रब नू चंगा नहीं लगता। अच्छा ते तू एथे भी आ गया। मैं हर उस थां ते जावांगा जिथे मेरा प्यार वसदा है। तू फुल्ला है बाबर, एथे प्यार नहीं वसदा, कारोबार होंदा है। इसलिए कि ए कंजरी दा कोठा है। कंजरी दा कोठा मैनू मेरे प्यार ने विखा दिता है। और नजमा नु कोठे तो कोठी तक ले जाना मेरा काम है। कल करके मान रख ले बाबर। तू अंदर जा नजमा, आज मैनु एदे नाल 2 गल्लां कर ही लैन दे। कान खोल के सुन ले बाबर, इस बाजार विच आने वाले धमकियां नहीं माल खर्च कर। जे तेनु नजमा नाल नहीं प्यार है ते सेठ तो वध माल खर्च कर, ले जा नजमा नु। एले तेरी गल दा की चुक चुका करना आपो, असी तेरे नाल मुक मुका कर देने हैं। ओए सेठा, जे तेरी कोई भी कदा पसंद आई होंदी ते समेत नजमा दे तेरा भी मुल ला देना। तू ते डंगर चारन दे कम भी नहीं आ सकता। झगड़े दी की लोड़े बाबर। हीरा मोल होवे तो दा मुल कोई नहीं ला सकता। जमरुद भाई तू अपनी लोड़ दस या फिर ऐसे नू को ए अपनी जुबान खोले
असी अपना दिल खोलने आ। ए अपनी दौलत आजमाए, असी अपना प्यार आजमाइए। ए गल तोड़े, असी गल ब्याहिए। 5 लाख एने नोट में नजमा दी जुत्ती तो वार के सुट दिया। सेठा गल सुन जमरुद भाई, तू नजमा नू तकड़ी दे पलड़े च खिलाड़ दई, ते दूजे पलड़े नू नोटा नाल मैं आप बराबर कर देंगा। गल कीती हो ते मिल वाला लगे बाबर। काश तू कहंदी दिल वाला लगा बाबर। आपो वो खावा सजी ते मारा खबी, एहो ही मेरा फन है सेठ साहब। ते नाले अज दा गया मुड़ कदी वापस नहीं आएगा। कहने ते करण विच बड़ा ही फर्क होंदा है। मन गए हैं भाई, मन बना गए हैं। बीरा रख कमाला। रख क्या है भाई जमाला? रईस पापा खान को जरा अकला जहान तो दिखला। हवेली पहुंचा, मैं शेरू समेत ना दोनों मौत दा पंगड़ा पांदा पांदा कब्रिस्तान पहुंचा देंगा। रसुल्तान तने जेल मां बर्दी वाले कब तक बंद रखे हैं? इब तो तने जमीन मां दो गज टूटा भी नसीब ना होवे है। रो पर वाले कुर्बान जाओ तेरे मने सुल्तान जैसा दुश्मन दिया। जगपाल जग दुआ करे है सिरुपत दुआ मंगे है। कोई ऐसा पहाड़ गेर जो मने जमीन मा दब देवे, कोई ऐसी बला भेज जो पाँव से काटती काटती मेरे सर तक आवे, तो मने कबर का अंधेरा नाक पर नजर आवे। कबर दा अंधेरा तेरे नाक नाक आ गया शेरू, काटा मोड़ के इस बलावल तक। रकाले कब्बे तै क्या काए काए करने आ गया? रकब्बे का काम मुर्दार खन्ना है, तै शेर के पंजों पर चोंचे मारने आ गया। रजा जा जाके किसी रूढ़ी पर बैठ के ठूंगे मार कीड़े खाओ। शेरू आज मैं तेनु एज मारांगा, ये तेरिया हड्डियां वक ते मास वक हो जाएगा। रसंबल के पैर मां मोच ना जावे तेरे। रमे रे तो भाई सफेद हाथी जैसे तो तै घेर दिए, पेज तम मैं हारा। ए फेर मेरे अग्गे लग के टुर पो शेरू। Thank you.
ਮੇਰਾ ਜਮਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਕਮਾਲਾ ਰੱਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੰਦਾ ਪੁੱਛ ਦੇਖ ਲੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੋਤੀ ਪਰ ਡਾਲ ਦੋ ਬੜਾ ਬਜਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਆ ਰੱਬ ਕਾਏ ਕਾਏ ਕਰ ਰਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਤੋ ਖਾਨਾ ਕੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਰਾ ਇਸ ਕੰਬੇ ਕੋ ਖਾਨਾ ਕੀ ਮੁੰਡੇਰ ਪੇ ਫੈਂਕ ਕਾ ਜਾ ਜਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਪਹਿਰਾ ਜੀ ਰਹਿਮਾਨ ਰੰਗੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਗੜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਬੇ ਨਾ ਕਮਾਲਾ ਚਮੇਗੀ ਨਾ ਜਮਾਲਾ ਚਮੇਗੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਚਮੇਗੀ ਚੱਟ ਰਾਂਗਣਾ ਦੀ ਰਾਤ ਚ ਗੁਸਲ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਰਾਤ ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਟੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਟ ਦੀ ਖਲ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰਸਵਾ ਦੁਆ ਤੋਏ ਜੋਏ ਕੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਤਨੇ ਮੈਂ ਪੜਾਵੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀ ਪਰ ਸੇਰੂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤਨੇ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਚਕਟ ਕਰਕੇ ਤਨੇ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਵੇ ਰਸੂਤ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗਾ ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਧਣਾ ਜੱਟ ਨੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕਿਤਾਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹਵਾਲਦਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੋ ਬਲਕੁਦੀ ਇਸ ਦੇ
जागीर वल से तूफान मुंह नहीं करता ते तू इतने किस तरह आ गए तूफान तो सेरू के सीने से पैदा हो बे तय किस तूफान की बात कर रहे हैं पिछे जाने कहंदे ने लोहे नाल जोर नहीं करीदा पिंडा पाट जांदा है हड शड टुट फुट जांदे ओ तेरे जिस्म विच बारूद भरिया होवे या फौला एना पहाड़ा दे फिरौन ने तेरी तौन ते फोड़ा रख के तेरा मन का दौड़ी देना है दर्द ऐसे गर्जे जैसे तई फलकू होवे फलकू तनु सरते विच कट देगा साल बाद किसी नाल टक्कर का स्वाद आया आ यार बन के ना पहाड़ा नु अपने मोड़ियां ते चुप लिए रफल को एक बात याद रखियो तेरु दुश्मनदार है दोस्ती माँ जो मर्जी करियो पर दुश्मनी माँ हिस्सेदार मत बनियो ये बात है अपने अपने असूल मुझे ये की तरह जी बात मैं तिन्ना से सुनूंगा रब ने मैनू मेरे तो वजीदार याद अज की रात संतारे आसमान से नहीं सारी कचरे चुनकेंगे GISCO डिस्को एल से होता है लॉफ्टर ओ से होता है ओपन वी से होती है वाइटी ई से होता है एवर एन से होता है लव वाई से होता है यंग Yeah.
कर जाए कर जान मन बन जा किसे दाना दुनिया तो डर जान मन असी जेड़ियां गल्ला दसियां ओ सोना आने सच्चियां असी जेड़ियां गल्ला दसियां ओ सोना आने सच्चियां लख दिल की ते बेमान ए डिस्को डेरा लांदे ने जिथे उन्हां नूं जोग मिलदी होवे अपो तू ओ नजम है जेड़ी हर उस तमाशबीन नाल प्यार करदी है जिदी अख च मैल ते खीसे विच माल होवे अपो मैं तुहाडे अगे हथ बन के कहनी आ मेरी झोली च मेरा प्यार पा दे जेड़े सपने तू वेख रही नजमा ओ कदी पूरे नहीं होणगे रब दा नाई मैनूं बदुआ ना दे जे सुपना टुट गया ते मेरा दिल टुट जाएगा ते दिल टूट गया ते मेरे सांह मुक जाएंगे तेरे ए अथरू मेरी जिद नहीं तोड़ सकते नजमा मेरा हर फैसला आखिरी फैसला होता है आपो पापर की गल है भाई जान किथे जान दी तैयारी है ओहो तू आप ही ते कहंदी सी कि भाभी नजमा नु ले आओ ते हुण मैं उन्हूं लैन चलिया सच ते फिर एक मिनट इत्थे रुक जाना मैं हुणी आई ओहो मैं कह देना छेती आना कैटा ना ला देना नसरीन ऐ की चुके ले आई है ए साडे खानदानी जेवर ने पाई जान ते जदों भी किसी नूं ने खाना दी दहलीज पार कीती ऐ जेवर पा के कीती नसरीन मैनू नहीं सी पता कि तू नजमा नूं इन्ना प्यार करनी है ते तू छोटी है पर कम वड्डे वाले करनी है मैं तो ऐसा लगता है नसरीन कि तू मेरी भैन नहीं माँ है पर फिलहाल तू इस तरह कर ये जेवर अपने कोल रख ते जिसले मैं तेरी भाभी नूं लेके आवांगा ना ते ये जेवर उन्हें अपने हाथी पुआ के फिर दिलीस पार करा दी चलो ठीक है हाँ याद आया हुण की याद आया ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਫੀ ਭਾਰੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੱਸ ਹੋਏ ਬਾਬਰ ਇਹ ਕੌਣੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੂਣ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਤੇ ਮਰਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਲਈ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਓਹੋ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਚ ਤੇ ਵੀਰੋ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨੋਟ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਨਜਮਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਠਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮਰਤ ਭਾਈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਬਟਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੇ ਚਾਨ ਮਾਈ ਖਾਨ ਤੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਪਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚਾਨ ਮਾਈ ਮਾਈ ਡੇਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਆ मेरा मतलब है जरा कान नेड़े कर जमरुद भाई मैं दो दिन बाद आवांगा ते अपनी अमानत ना ले जाऊंगा चल के रहना एक गल याद रखी जमरुद भाई नायका बन के कीमत वसूल की थी ते मां बन के नजमा दी डोली इस तरह टोरी के तेरा एक कोठा एक शरीफ कार दी चार दीवारी नजर आए ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਈ ਤੇ ਵਫਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇਹ ਲੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਘਾਟਾ ਫੇਰ ਕੇ
फलको आंसर फलको आज तेरे लिए आसमान तो भी वड़ी खुशखबरी लेके आया है। राम मौत का फरिश्ता भी कभी खुशी की खबर लेके आया है रे पलकु। ते फिर सुन ले शेरू, जे सुल्तान दा सिर तू दर नालो वक करके अपने ते सारे साहब बताना चाहने उन्हें सफर ते बाबर ते सिरा तो कतला दा पार चुक के कानून दे अन्ने खूवे आप छाल मार दी। मैं ते कहना ऐस यकीन नाल बंदूक सुटते शेरू ते किसे माशूक नाल दिला। सुल्तान ने कानून दिया उच्चिया कंधा विचो कदी बाहर नहीं आना। रबंकू जी तो चाहे है कि तने सूत के रख तू पर नारे मैंने बोला था ना मैंने बोला था कि जान रुकने वाली जबान कभी राहत न टपके हरे। लपाड़ की चोटी पर खड़े होके सेरू से हाथ मिलाने वाले तहते मने बड़ा ही छोटा लगा। रही बात गौर से सुन ले रफल को अगर सुल्तान बाहर ना ही आया तो शेरू अंदर जावेगा रे जावेगा अंदर। वे शेरू जिन्ना वैर ते दोजक सड़न दा चाई उन्ना कदी प्यार दी जन्नत वल तक के वेख रब दी सौ अंदर बार दी खेड भुल जाएगा। तोरे ठीक कह रही है शेरू जे तेरा दुश्मन फांसी दे तख्ते तो भी बच गया ते फलकु मौत दा वावरोला बन के उन्हों अपने नाल ले जाएगा। रफलकु शेरू के दुश्मन की खाल पर तने अपने हथियार से एक जख्म भी लगाया ना तो बस शेरू तने सुत के रख देगा। वे शेरू जे तेनू अपनी दुश्मनी नाल एना ही प्यार है ते रब करदा सुल्तान दी थां उते मैं तेरी दुश्मन हुंदी तू मेरा पीछा ते करदा ते ऐस दुश्मनी दा फैसला क्यामत तक ना हुंदा। मुश्किल ना मुबाली लड़की तने दुश्मनी का सिर्फ नाम सुना नतीजा नहीं देखा। नहीं देखा नतीजा। नतीजा तो ऐसा होगा कि शेरू सुल्तान का सर काटने के वास्ते हर जेल नापेगा हर जेल नापेगा। मैं सूझ के रख दूंगा ससुराने। लाल कल गयाले या टोपी गड़ा मका है शेरू। ये कानून की वो पहचान है जिसे सलाम न करने वाला कमरे की कैद का निशाना बन जाता है। राजेलर शेरू के गाल से उठने वाली गूंज तो सिर्फ जेल में सुनी है मगर कानून के गाल से उठने वाली गूंज सारा जहान सुने है। जेलर सारा जहान नहीं तुम्हारे कान सुनेंगे और तुम्हारी जुबान सलाम करेगी। रसेरू तो ऊपर वाले की जात के बाद अपने पापों की विदा सुने है या टोपी और शेरू का सलाम। ना जेलर ना 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 ता बदल मैं कसम है तोड़े कानून दी एक पल नहीं मैं बाहर करके ते वेखो जे किधर दी है बिंगी पूछल सिद्धी होके कानून दी है टोपी नो एक सेकंड वाली सलाम न करे ते मैं सुल्तान चट राखी। ला सुल्तान मने अपनी गिरफ्तारी तय को कत्ल करने के वास्ते दी है। जेलर एक सलाम की जिद करे है ना रब दुश्मन को सामने देखकर शेरू का जी चावे है इस टोपी को एक सलाम नहीं सौ सलाम करे है। वेख्या जे साहब बादर
अपनी मौत को सिर से तक के सलामा किरण लग पिया जे जे मैं बाहर आ जाता तेने तुहानू प्यो भी मान लेना सी प्यो तेरा तने मैं याद कराऊंगा उस वक्त जब तेरा गाटा काट के तेरे तन से जुदा करूं हूं जात बड़ी गल है भाई रांगड़ा बड़ी गल है रगल तो तने इब बताने लगाऊ या रांगर तने कल रात इस जेल से भगा के ले जावे है ले जाके तेरी जिंदगी का फैसला खुद करे है खुद मैं भी चट्टा है रंगड़ा तू मेनू की पगा पगोगे ले जाएगा अरे मैं आप तेरा चुप के जेल टप जाऊंगा हल्दार ले जाओ इसे और बंद कर दो जनमाई तू न खुलिया नसरीन बीबी ने आके मेरे खुने खोल लेने देख खीरिया तू हमेशा खीरे खीरे तेनू इंज नहीं इंज खोली ओ बीबी जी असल पता गल के मेरा भी कोई चीज खोलन का पहले ही चांस है एक दफा मेरा अब्बा भी किसी दिया मझा खोलन गया ते मझ ते ना खोली ते पता क्या होया क्या होया मेरा अब्बा आप खोल गया ते मेरी अम्मा आई ते उन्हें पता क्या आख्या उन्हें आख्या के खुलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का रघु फिर दीवाने दिया पुत्रा तैन नहीं पता आज किन्ने आना है छेती छेती कार से जा आज मेरी होन वाली पापी ने आना है छड़े जाना हाय सानू छड़े जाना तू माही नाल टूरे जाना नी छड़े जाना हाय सानू छड़े जाना तू माही नाल टूरे जाना Yeah.
रुक कर देखा मशीन ना रवे ते काई घर जींदियो जी मर जांदे ने ते मोई मैं वा ते जींदा तन्नू भी नहीं छड़े केड़ी खुशी मिल सकती वैसे भी पाइजन बाबर भी जिंदगी भी सब ना बड़ी खुशी पूरी हो रही है मेरा तो दिल कहता है इस खुशी चैनी अब तुम आला पावा भाईजन भाईजन अपने खानदानी जेवर ते अपने पावे नु पा के तेरी स्पार करा नहीं, नहीं भाईजन नहीं मैं ते तानू इस घर दी खुशियां ना भेजे सी मनसी तेरी पावी इस घर दी खुशियां तो कुर्बान हो गई दस पावे साडी नूं नूं साडे खौफ ने मार दिता है या तकदीर ने अब्बा जी ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖਾਨਾ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਬਾਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਫਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਰ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ दुआ करो नी भैड़ियो सुल्तान छुट जावे ते बाली नू व्याह दी कैद बोल जावे नी बालिए तेरे ते साडे वर्गियां कुड़ियां घरां दियां दे ली जांदे बैठ के बुढ़िया ते हो जांदियां ने पर सुहागना नहीं हुंदियां नी तुर तुर तेरे मुंह च खाक आत्री दिए मेरे सुहाग दा नाम सुल्तान है सुल्तान सुल्तान पुलिस कद तक कैद रखे सी सर शेरो सुल्तान भाग गए शेरो सुल्तान भाग गया सारे बजा दो और उनका पीछा करो जाओ शेरो और सुल्तान हमारे लाए तुम्हारे लिए सारा जहां जेल बजा देगा रसूत मेरा नाम मोतीस का ना रा अंधे अल्लाह के बंदे चल 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 अल्लाह ही देगा मौला ही देगा अल्लाह ही देगा मौला ही देगा अल्लाह आओ मेरे ना Thank you.
गाड़ी रोको। कहीं ये अंधे फकीर शेरू और सुल्तान तो नहीं थे? ड्राइवर गाड़ी वापस करो। सुल्तान शेरू से कहां तक भागे हैं? इब तो जमीन भी तने पनाह न देवे है रे। अकबर खान, तुम्हें शेरू रांगर को गिरफ्तार करने का चार्ज दिया गया था। तुम इस फाइल को तीन खानदानों की दुश्मनी से उड़ने वाले खून के छींटों से न बचा सकते। अकबर खान, कानून इतना कमजोर नहीं कि मुजरम उससे खेलता रहे। कानून इतना बेबस नहीं कि मुजरम की कदम न तोड़ सके। कानून इतना अंधा नहीं कि मुजरम की शिनाख्त न कर सके। बोलो जवाब तो कहां है वो अकबर खान जिसके कदमों की धमक से मुजरमों के कलेजे फट जाया करते थे? अकबर खान, कोठे पर दवाई बिकती है, जमीन पर इंसान बिकता है, अदालत में ईमान बिकता है। बोलो जवाब तो अकबर खान, खामोश क्यों खड़े हो? कानून किन दामों में बिका है? ये स्टार्स आपके पास अमानत है सर, और मैं उस अकबर खान की तलाश में जा रहा हूं जो कानून की नसों में बिककर शेरू रांगर का दोस्त बन गया है। अगर जिंदा कामयाब वापस आया तो ये स्टार्स वापस ले लूंगा, और अगर वापस ना आ सका तो ये स्टार्स मुझसे ज्यादा बहादुर किसी जवान के कंधों पर सजा दीजिएगा। थैंक यू सर। सर, अकबर खान के जज्बात शेरू की गिरफ्तारी के लिए एक मजबूत कड़ी बन गई है। हां मिस्टर अख्तर, कानून अकबर खान के साथ साए की तरह रहेगा। लगता है तेनू हीरे नहीं पहुंचे। जरा जंडाल दी चूलू फलाना के। तेरे मुछल साथी ने हीरे ते पहुंचा देते सर, पर आज तेरे जोइच ऐस ले आया वहां के याराने दे इम्तिहान विच पास हो जावा। जंडाल तेनू किसे इम्तिहान विच फेल नहीं होन देगा। तू सिर्फ इना दस वो केड्डा इक औखा इम्तिहान है जिदे विच तेनू अपने तो इलावा जंडाल दी लोड़ पैगी। ओ इम्तिहान चट्टा ते खाना दे सिर दा मैदान ही जंडाल, जिदे विच मेरे यार शेरू ने अपने से धड़ दी बाजी ला दिती है। राह सर धड़ की बाजी मां रांगरा ने जाटा और खाना के सर उतारने हैं जंडाल। ओए रांगरा, आज जो मेरा यारा है ए सिर धड़ दी बाजी हो जाई लावांगा, और ए चट्टा ते खाना नू ए जट उल्टा नजर आवेगा। उल्टा Thank you.
ولیاں تے پیغمبران دا امتحان لین والے ربا اج میرے کولوں اے ظلم نہیں ہو ویکھیا جاندا اے ظلم نہیں ہو ویکھیا جاندا مینوں زبان دے دے ربا تاکہ میں جٹا رانگڑا تے خانہ نوں انہاں دے اصل قاتلاں دی شناخت کرا سکاں ربا شیطان دے چیلے اج پھر کسے نوں برباد کرن جا رہے نے تینوں واسطہ ہی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ دا سکالی اصغر معصوم دی زبان دا مینوں بولن دی طاقت عطا کر دے ربا مینوں بولن دی طاقت عطا کر دے تینوں واسطہ ہی نوازا ہے رسول دا مینوں زبان دے دے ربا مینوں زبان دے دے ربا ربا مینوں زبان دے دے 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 ربا ربا مینوں زبان دے دے مینوں بولن دی طاقت دے دے دیکھ جاٹا اور خانہ کے قاتلوں کی بارات تیری جاگیر ماں دھماکے کرے ہیں دھماکے فلکو چنڈال نے ایس نشے پہاڑ چھٹے میدان ناپے دریا چیرے تیری جاگیر تو اجاڑنی جانے اور تم متدا بات بندیاں کا تازہ ماس کھان نو تے مرکنیاں ہڈیاں جبان نو لبن گیاں رب فلکو رب منے جی چاہے ہیں انیت خان کی جاگیر کو چلیا والا باپ بنا ڈالوں رب خون کی نبی ماں سے چنڈال خانوں کا کوٹ جاٹوں کی کھوپڑیاں کھاوے ہیں اے پنڈ والے ہو اپنے انداز ساڈے سامنے آپ چکے سوچے ہوئے نہیں تے ساڈے کراچ کبرا بنا دیا گیا اور باتی کرا یہ تین میری جگیر شرط اسلام کی تھان چاہیے تو جا جتنے مرضی کے لیے گل ہے انیت خان کی جگیر چو کبھی کوئی سوالی خالی چولی لے کے نہیں گیا رکھ خان بال اور پٹا جس کرتا اچھا لگے رہے نہیں کمالیا نہ میں بالا تے نہ ہی میں بڈا وا گولیاں دا جڑا بارڈر میں تواڈے اگے کھچیا ہے وہ میں تواڈی چھاتیاں تے وی کھچ سکتا سا کھچے گا تے فلکو مینوں ایہو جیا کہ تیرے جسم دا ایک ایک ٹوٹا فلکو فلکو پکاردا پھرے گا بابر پتر اپنی پاک دستی دینا کھلوتے شیطان چونکہ آدم دے پیرے چھینک سٹ کیا آدم یا ٹھوکرا نال اینا دیا زبانہ تو توبہ توبہ دا ویر شروع ہو جائے تیرے توبہ توبہ کرن لگے نیے با بابا سے زفر کا ماتم چھڑتے سلطان
ਸ਼ੇਰੂ ਦੇ ਉਸ ਯਾਰ ਫਲਕੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਫਲਕੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਫਲਕੂ ਨੂੰ ਵੱਟਦਾ ਵੱਟਦਾ ਸ਼ੇਰੂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਏ ਫਲਕੂ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਹਸੀਨ ਮੌਤ ਦੂਰ ਖਲੋਤੀ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਓਨੇ ਧੋਟੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਚੁੱਟ ਕਿੰਨੇ ਆਖਣਾ। ਸੀਮਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਿਕਲ ਕਰ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਆਬਾਦ ਹੋਣੇ ਕਾ ਵਾਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਨੇ ਕੀਆ ਥਾ। ਸ਼ੇਰੂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲਾਸ਼ੇ ਛੋੜਤਾ ਹੁਆ ਇਸ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਮਹਾਜਰ ਬਣ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਸ਼ੇਰੂ ਆਪਣੀ ਰੰਗ ਔਰ ਜਾਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਪੜੋ ਕਾ ਵਾਦਾ ਨਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਨਾ ਹੀ ਭੁਲਾ। ਸ਼ੇਰੂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਕੂ ਬਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਾਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂ। ਰੱਤੇ ਕਾ ਮਾਲ ਸਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੁਸਰੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਧਨ ਵੀ ਕਾਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਛੁੱਟੇ ਹੈ, ਕਾ ਹੋਵਾ ਰੇ? ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਡਰੋ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਤਰੇਲੀ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਮ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫਲਕੂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਫਲਕੂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਲਕੂ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਚ ਪਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਲਕੂ ਨਾ ਇਸ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਜਿਹਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਟਿਆ ਸੀ। ਫਲਕੂ ਨਾ ਹੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਗ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਲੋਹੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਮਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੇ ਫਲਕੂ ਕਾ ਨਕਾਬ ਨੋਚ ਕਰ ਸ਼ੇਰੂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਆ। ਸ਼ੇਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਾ ਥਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕਾ। ਆ ਆਓ ਆਓ ਹਰਾਮ ਸਾਦਾ ਆਓ, ਤੁਮ ਮਾਰਨੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੰਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਚੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਸੁਸਰੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਕੇ ਸਰ ਕੀ ਸਫੈਦ ਚੱਕਰ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੋਂ ਬੇਟੋਂ ਬੂੜੋਂ ਜਵਾਨੋਂ ਔਰ ਬੇਟੀਓ ਕੇ ਲੋ ਸੇ ਸੁਰਖਤ ਹੋ ਗਈ ਥੀ, ਪਰ ਵੋ ਚੱਦਰ ਹਮਨੇ ਗਿਰਨੇ ਨਾਹੀ ਦੀ। ਰਾ ਪਤਨ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਚਨੇ ਵਾਲੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਨੇ ਮਾਰਾਂਗਾ।
ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਰਾਹੀ ਤੂਨੇ ਕੁੱਟ ਕੀਆ। ਸ਼ੇਰੂ, ਅੱਜ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੌਰੀ ਨਾ ਨੌਰੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਬੋਲ ਸ਼ੇਰੂ। ਨਾ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਮਾਲੀ ਲੜਕੀ ਕਿਸ ਲੱਭੜੇ ਮੇ ਡਾਲ ਦਿਆ ਸ਼ੇਰੂ ਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰੀ ਨਾਖ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਰੀ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸਾਲੂ ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਨੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਮਾਲੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੈ ਰੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਨੇ ਕੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ, ਸ਼ੇਰੂ ਕੇ ਮਨ ਮੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਆਗ ਜਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬੁਝ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀ, ਖੁਦ ਬੁਝ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀ। ਸ਼ੇਰੂ ਬੁਝ ਗਈ, ਨਾ ਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਨਾ ਸ਼ੇਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਝਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸ਼ੇਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਝਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਰੂ ਬੁਝ ਗਈ, ਮੁਸਕਲ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬੁਝ ਗਈ, ਪੁੱਛ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨਰੀਨ, ਪੁੱਛ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨਰੀਨ, ਪੁੱਛ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨਰੀਨ, ਬਤਨ ਭਰੋਸ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਮਾਤ ਆਈ, ਰਾਤੇ ਬਚ ਵੀ ਜਾਤਾ ਤੋ ਤੇਰੂ ਤੇਨੇ ਸੂਰ ਕੀ ਮੌਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਸ਼ੇਰੂ, ਇਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਨਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਸਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹੇ, ਰਾਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾ ਬੰਦੂਕੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕੜੀ ਯਾ ਵੀ ਗਿਆ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਪਰ, ਯਾ ਤੈ ਮਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇ, ਯਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਸ਼ੇਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਸਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।
ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਰੇਮੂ ਬਾਬਾ? ਓਏ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਛੱਤ ਅੱਗੇ ਚੁੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜੱਟਾ ਕਿ ਜੱਟ ਰਾਗਰ ਦੇ ਖਾਨ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਵੈਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨਾ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲਾਡੋ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਰਮਾਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਾਜ ਰਾਜ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਲੰਮਨੇ ਬਤਾ ਮੰਨੇ ਬਾਪੂ ਕੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਬਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕੌਣ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ? ਲਾਡੋ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਰਾਜਮਾਲਾ ਰਾ ਕਿਆ ਹੈ ਬਈ ਕਮਾਲਾ? ਰਾ ਸੇਰੂ ਭਈਆ ਨੇ ਜਾਟ ਕੋ ਬੇਲਨੇ ਮੇ ਲੈ ਲਿਆ ਰੇ, ਬੇਲਨੇ ਮੇ। ਰਾ ਸੇਰੂ ਭਈਆ ਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ ਹੈ ਰੇ? ਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਨਾ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਜੜ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਓਏ ਖੋਚਲਾਂ ਦੀਓ ਚੋੜੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਲਾਡੋ ਤੇ ਚਾਚੇ ਰਮਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾ ਸੇਰੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਸਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਰੇ। ਰਾ ਤੁਮਾਰੇ ਸਰ ਪੇ ਮੌਤ ਡਿਸਕੋ ਕਰੀਏ ਡਿਸਕੋ। ਸੁੱਤੇ ਲੈ ਹੋਵੇ ਹੈ ਰੇ,
रसूद के रख दूंगा। मेरी मां दी ये पाक चादरे मैं अपनी मां नाल वादा कीता सी कि उदो तक तेनू मोढ़िया तो नहीं लावांगा जब तक तेनू दुश्मन का कफन नहीं बना लेंदा। मैं तेनू अपने मोढ़िया तो ला के वास्ता देना बीबी जैनब दी पाक चादर का कातलां नू नसण ना दे। जा अल्लाह ते पंचन पाक तेरी मदद करा। जा भाग रे कमाला।
ਸ਼ੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਲਤਾਨ। ਵਾਹ ਕਮਾਲਾ, ਰੂਪ ਪਰਵਾਜ ਕਰ ਗਈ। ਓ ਚਲੀਏ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਸ ਤੋਣਾ ਰੱਬ ਏ, ਦੂਆ ਵਾਰਸ ਤੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਸ ਤੇਰਾ ਏ ਵਰ। ਸੁਲਤਾਨ, ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੂ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚਾਚੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਆ ਕਦਮ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਮਕਾਮੀ ਤੇ ਮਹਾਜਰ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ੇਰੂ, ਰੱਬ ਤਨਾਲੋ, ਅੱਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਤੇ ਮਕਾਮੀ ਮਹਾਜਰ ਦਾ ਫਰਕ ਡਾਲਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਕੋ ਛੂਤ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰੱਸੀ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੇ ਥਾਮੇ ਰੱਖੋ।